आखिरकार हनुमान बेनीवाल ने एनडीए का साथ छोड़ ही दिया। लगातार एनडीए को लेकर जो चर्चा चल रही थी आरएलपी की, कि आरएलपी एनडीए के साथ रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर हनुमान बेनीवाल ने 26 दिसंबर को लकीर खींच दी है। उन्होंने अपने आप को एनडीए से अलग कर दिया है। जब से आरएलपी एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ जुड़ी थी, जब से ही तमाम यही कयास लगाए जा रहे थे कि ये साथ कब तक रहेगा, ये साथ कितना आगे चलेगा, ये साथ कैसे चलेगा, तमाम ऐसी बातें चलती रही। क्योंकि हनुमान बेनीवाल लगातार बीजेपी की वरिष्ठ नेता और प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को हमेशा तानते रहते थे, आड़े हाथों लेते रहते थे। ऐसा एक बार नहीं, अनेकों बार हो गया। उसके बाद में हनुमान बेनीवाल ने अपने आप को एक तरीके से अलग किसान नेता के रूप में आगे रखा। जब से किसान बिल पेश हुआ, उसके विरोध हुआ, विरोध से लेकर अब तक जो भी गतिविधियां हुई, उन सब गतिविधियों के अंदर हनुमान बेनीवाल का एक अलग ही एंगल रहा। हनुमान बेनीवाल ने अपने आप को एनडीए से अलग करने का पहले से ही मन बना लिया था, क्योंकि बात किसानों की आती है तो खुद किसान परिवार से नाता रखते हुए हनुमान बेनीवाल ने यही कहा कि मुझे मेरे साथ वाले लोगों का साथ देना है। क्योंकि हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है आरएलपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, वह एक किसान के रूप में आगे बढ़ी है, इसलिए उन्होंने उस चीज़ को आगे रखा। जो भी राजनीतिक जो सलाहकार हैं उनके, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आप किसानों के साथ रहेंगे तो शायद आपका आने वाला फ्यूचर काफ़ी अच्छा हो सकता है। कि तो आने वाला वक्त बताएगा कि फ्यूचर कैसा होगा, आने वाला जो परिवर्तन है वो कैसा होगा। पर कुल मिला के बात करें तो हनुमान बेनीवाल लगातार एक महीने से, जब से किसानों ने अपना आंदोलन शुरू किया है, तब से जमकर बीजेपी पर प्रहार कर रहे थे। चाहे वो सरकार राजस्थान की बात करें, राज्य के अंदर, या फिर केंद्र की बात करें, उन्होंने अमित शाह को एक खुली चिट्ठी भी लिखी थी जिस पर उन्होंने साफ कहा कि अगर आप ये कानून वापस नहीं लोगे तो हम अपना समर्थन एनडीए से वापस ले लेंगे। हनुमान बेनीवाल ने 18 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम 26 तारीख को अपना जो रुख है वह साफ कर देंगे, और उन्होंने वही किया। उन्होंने अपना रुख पूरी तरीके से साफ कर दिया, उन्होंने अपने आप को एनडीए से बिल्कुल अलग कर दिया। क्योंकि जो स्थितियां अभी बनी हुई है देश के अंदर, क्योंकि अकाली दल बहुत बड़ी पार्टी है, उसने पहले अपने आप को एनडीए से अलग किया, उसके बाद हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। कुल मिला के बात की जाए तो राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। एक जाट नेता के रूप में वह खुद 14 सीटों पर, जिस पर बीजेपी जीती है लोकसभा के अंदर, 25 में से 14 सीटों पर हनुमान बेनीवाल दावा ठोक रहे हैं कि अगर एनडीए की हिम्मत में है, बीजेपी को अगर लगता है, तो वह 14 लोकसभा सीटों से वहाँ पर वापस फिर से चुनाव करा ले और जीत के दिखा दे। ऐसे ही दावा बीजेपी ने भी करा था कि हनुमान बेनीवाल नागौर में बीजेपी की वजह से जीते हैं। लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप दोनों एक दूसरे पर कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं साफ तौर पर जाहिर होता है कि बगावत पहले से ही थी, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की जो बड़े नेता हैं, जैसे सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, गुलाबचंद कटारिया जैसे तमाम बड़े लोग हैं, इन लोगों ने हनुमान बेनीवाल को साथ लेने की सोची है कि भाई कैसे ना कैसे साथ में आ जाए। क्योंकि बीजेपी इस समय जो गेम खेल रही है प्रदेश के अंदर, वह कर रही है कि वसुंधरा राजे को साइड में किया जाए। अब साइड कैसे होगी ये कोई नहीं जानता, पर जो हालात, जो स्थिति बनी है, उस तौर पर देखा जाए तो राजस्थान के अंदर अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। हनुमान बेनीवाल ने अपने आप को अलग करा है एनडीए से, तो हनुमान बेनीवाल के लिए भी राजस्थान के अंदर अपनी पार्टी को मजबूत करने का एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं, जीवन मिल गया है। बहुत बड़ा एक कह सकते हैं प्लस पॉइंट मिल गया है कि हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी को काफ़ी मजबूत कर सकते हैं, बीजेपी और कांग्रेस को सीधी टक्कर दे सकते हैं। क्योंकि राजस्थान में फ़िलहाल बात करें तो 3 विधायक आरएलपी के हैं, जिसमें हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल भी शामिल हैं, और खुद हनुमान बेनीवाल नागौर से सांसद हैं। तो देखा जा सकता है कि हनुमान बेनीवाल का जो प्रभाव है वो कितना भारी पड़ेगा बीजेपी एनडीए पे। साथ ही साथ कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के अंदर भी कुछ ऐसी हलचल देखी जा सकती है। रामेश्वर डूडी, जो कि पूर्व में नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, वह भी हनुमान बेनीवाल के साथ वहाँ जाकर धरना दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो गहलोत के जो विरोधी हैं,
गहलोत सरकार के विरोधी माने या अशोक गहलोत खुद के अशोक गहलोत के विरोधी माने, वो एक ओवर के हो रहे हैं सबके सब, चाहे हनुमान बेनीवाल की बात करें या फिर रामेश्वर डूडी की बात करें, कि रामेश्वर डूडी ने भी मेहनत बहुत करी है लेकिन जिस तरीके से वो चुनाव हार गए उस हिसाब से देखा जाए तो उनको एक बहुत बड़ा नुकसान है। वही हनुमान बेनीवाल के साथ मिलकर कहीं ना कहीं रामेश्वर डूडी कुछ नया भी कर सकते हैं। हालांकि अभी हाल ही में ना रामेश्वर डूडी अजय माकन से मिले थे जो कि प्रदेश प्रभारी हैं कांग्रेस के, उनसे मुलाकात भी उन्होंने की थी और बहुत अच्छे से मुलाकात की थी। तो इसको इस रूप में नहीं देखा जाए तो सही है, मगर जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने आंदोलन तेज कर दिया है, दिल्ली की ओर कूच करने शुरू कर दिया है, उस हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रदेश में हनुमान बेनीवाल का जो एक ग्राफ है एक नेता के रूप में वह बहुत बढ़ गया है। और आने वाला समय कैसा होगा ये तो वक्त ही बताएगा, परंतु वर्तमान की स्थिति में हनुमान बेनीवाल काफ़ी मजबूत हैं। साथ ही साथ उनके भाई नारायण बेनीवाल जो कि उनका पूरा मैनेजमेंट संभालते हैं हर तरीके से, वह खुद अब स्वयं विधायक भी हैं, इसलिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक दोनों भाइयों की जो जोड़ी है राम लखन की जोड़ी, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत भारी पड़ सकती है प्रदेश के अंदर जो विभिन्न पार्टियां हैं, प्रदेश चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इन सब पर भारी पड़ सकते हैं। क्योंकि जो युवा है, युवा जो जाट हैं, जाट नेता के रूप में जो युवा हैं, वो युवा बहुत ज़्यादा हनुमान बेनीवाल से प्रेरित हैं, हनुमान बेनीवाल जो कहते हैं वो करते भी हैं। इसलिए हनुमान बेनीवाल के सबसे सर्वप्रथम यही रहेगा कि अपनी पार्टी को मजबूत करें राजस्थान के अंदर, ताकि आने वाले 2023 के चुनाव के अंदर वे अपने पार्टी के सभी विधानसभा सीटों पर में पार्टी के उम्मीदवार उतारें। क्योंकि हनुमान बेनीवाल को पता है कि अभी से वह अगर काम करना शुरू करेंगे तो आने वाले समय चुनाव में वह काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। उनको सांसद हैं तो इनको काफ़ी फ़ायदा है उनके इलाका, क्योंकि नागौर के अंदर लाडनू भी लगता है, पर्वतसर भी लगता है, डेगाना भी लगता है, तमाम ऐसी विधानसभा क्षेत्र हैं जो कि नागौर लोकसभा में आते हैं। और ये विधानसभाएं जो हैं ये काफ़ी जाट नेताओं के, मतलब जाट नेता ही वहाँ पर उभरते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस या बीजेपी के जो एंटी हैं वह बेनीवाल के साथ आएंगे, खासतौर से बीजेपी के जो हैं, क्योंकि बीजेपी के बहुत से वरिष्ठ नेता हनुमान बेनीवाल की बात करें तो हनुमान बेनीवाल बीजेपी से आए थे, तो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तो तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे, साथ के साथ बीजेपी के भी कार्यकर्ताओं को तोड़ेंगे ताकि उनकी पार्टी मजबूत हो सके और आने वाले चुनाव के अंदर उनको इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। क्योंकि किसान आंदोलन में जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने अपना जो रूप दिखाया है एनडीए को, उसमें हनुमान बेनीवाल बहुतों के हीरो बन गए हैं, बहुतों के लिए हनुमान बेनीवाल एक भगवान के रूप की तरह हैं कि भाई हनुमान जी ने आके हमारा साथ निभाया है। हनुमान बेनीवाल खुद छात्र राजनीति से काम कर रहे हैं, राजनीति के अंदर छात्र नेता रहे हुए हैं, अध्यक्ष रहे हुए हैं, और उसके अलावा जो उनके साथ जो युवा नेतृत्व चलता है वो काफ़ी मजबूत है। नागौर से खुद हनुमान बेनीवाल है और कहा जाता है हनुमान बेनीवाल का बीकानेर की बात करें, बाड़मेर की बात करें, जैसलमेर की बात करें, इधर चूरू की बात करें और भरतपुर के आगे चल जाएं इधर, यहाँ भी कुछ जाट समुदाय के लोग होते हैं। तो ये तमाम जो जाट समुदाय के लोग हैं ये हनुमान बेनीवाल से काफ़ी प्रेरित हो चुके हैं। और जो हनुमान बेनीवाल दावा कर रहे हैं कि 14 लोकसभा सीट के अंदर अगर बीजेपी चुनाव वापस करा ले लोकसभा का, तो उनको पता लग जाएगा कि उनकी क्या हैसियत है। तो ये एक बहुत बड़ी बात हनुमान बेनीवाल ने बोली है। हनुमान बेनीवाल साफ कहते हैं कि बीजेपी वहाँ पर जीती है तो आरएलपी की मदद से जीती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से फिर से 25 की 25 सीट बीजेपी ने जीती है, 24 सीट बीजेपी की थी, एक आरएलपी के साथ में गठबंधन में थी, पर जो 25 के 25 वापस जीती है उसमें हनुमान बेनीवाल का जो योगदान रहा है उसको कम नहीं आंका जा सकता है। इसलिए बीजेपी के लिए भी ज़रूरी है कि जो भी आगे बढ़े सोच समझ कर बढ़े, अपनी जो चाल वो चला रही है आगे वो सोच समझ कर चलाए ताकि कोई किसी को नुकसान ना हो। हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से चल रहे हैं वो एक अलग पैटर्न से चल रहे हैं, और वो जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं वो बेहतरीन राजनीति कर रहे हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है। उन्होंने एक बार में ही बीजेपी को साइड में पटक दिया, कांग्रेस को तो करते ही थे लेकिन बीजेपी को भी कर दिया। वहीं जिस तरीके से वसुंधरा विरोधी हनुमान बेनीवाल से मिल रहे हैं, गहलोत विरोधी हनुमान बेनीवाल से मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा।
कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत को ये एक बार में साइड कर रहे हैं। हालांकि आसान नहीं है हनुमान बेनीवाल के लिए करना, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों भी, जो अशोक गहलोत वसुंधरा राजे के विरोधी हैं, वो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल का साथ जरूर देंगे। अब देखना ये है कि किसान आंदोलन जो चल रहा है, इसमें हनुमान बेनीवाल और क्या अहम किरदार निभा पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक बार में एनडीए को लात मारी है, जैसे उन्होंने कहा है, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि हनुमान बेनीवाल मजबूत है और उनको आगे बढ़ना है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई उनके बारे में क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। लेकिन फिलहाल हनुमान बेनीवाल एक युद्ध हीरो के नाम से आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ में अनेकों किसान लग चुके हैं, उनका साथ दे रहे हैं, वह आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एनडीए का साथ पूरी तरीके से छोड़ दिया। उन्होंने कल कोटपुतली में अनाउंस किया, बकायदा शाहजहाँपुर बॉर्डर तक के वहाँ तक पहुँच के अनाउंस किया कि भाई मैं अब एनडीए का हिस्सा नहीं हूँ। उन्होंने एक टीवी चैनल में इंटरव्यू के अंदर कहा था साफ तौर पर कि अगर उनको उस दिन अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आती तो वह विरोध करते। हालांकि इस पर इसलिए संशय है क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने जो नीचे साइन होने थे जब संसद में बिल पेश हुआ था, तब हनुमान बेनीवाल ने साइन करें अपने। अब हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि अगर मैं वहाँ होता तो मैं उसका विरोध करता बिल का। इस पर क्या सच है क्या झूठ है ये हनुमान बेनीवाल जाने या संसद के लोग जाने, पर वर्तमान की स्थिति ये है कि हनुमान बेनीवाल को उस समय जब ये संसद में गए थे तब इनको कोरोना पॉजिटिव बताया गया था, तो इस चक्कर में अंदर नहीं जा पाए थे। और जब बाद में जब बिल पे साइन करने थे सांसदों के, तो उसमें इनका साइन था, ये बात सच है। लेकिन ये बात भी है कि हनुमान बेनीवाल जब अपने उसे कह रहे हैं कि भाई अगर इनको वहाँ अंदर एंट्री मिलती उस दिन संसद के अंदर, तो वह इस चीज़ का पूर्ण जोर से विरोध करते। क्या है इसके अंदर सच्चाई, ये कोई नहीं जानता, पर फिलहाल हनुमान बेनीवाल आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ पूरे किसान नेता वगैरह सब एक साथ होकर आगे बढ़ रहे हैं, आगे कूच कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका है, और अमित शाह के लिए भी एक बहुत बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि अमित शाह को भरोसा था कि हनुमान बेनीवाल संभल जाएंगे। वहीं जो राजनीतिक जानकार हैं, जो पत्रकार हैं, उन सबका ये कहना है कि ये छुटपुट चलती रहती, लेकिन हनुमान मिलने से जो डिसीजन लिया हनुमान बेनीवाल ने, वह कहीं ना कहीं इस सारे दावों को ख़त्म करती है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल अपने आप ही वन मैन आर्मी की तरह आगे बढ़ चुके हैं। अब देखना है हनुमान बेनीवाल का क्या होगा।